सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम डी चंद्रकला KGBV जगदेवपुर। सुभाषिश प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं समझती हूँ आप सब कुशल हो। आज का पाठ नवी कक्षा का 8वां पाठ एक्स प्रश्न। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। आप इसके पहले आप बाग देखा है, पढ़ा है, उसके बारे में जाना है। याद आया आपको? कुछ नहीं तो चलिए हम पहले इसके स्लाइडों को देखेंगे, शायद आपको याद आ जाया है। वह महाभारत की घटना है। उस समय पांडवों ने द्रौपदी के साथ 12 वर्ष वनवास पर थे। तभी समय एक ब्राह्मण ने पांडवों के पास आया। बाद में बच्चों ध्यान से देखिए इन स्लाइडों को। युधिष्ठिर के कोई भी भाई ने लौट कर न आया तो युधिष्ठिर ने स्वयं चिंतित अवस्था में उनकी खोज में निकल पड़े। तृषा से व्याकुल युधिष्ठिर पहले अपनी प्यास शांत करने के लिए सरोवर की ओर गए। वहीं युधिष्ठिर को अपने बाई दरा पर खड़े पड़े दिखाई दिए। जैसे ही वे आगे बढ़े तो उन्हें भी एक आवाज गूंजी सुनाई दी। सावधान, तुम्हारे भाइयों ने मेरी चेतावनी की ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनकी यह दशा हुई। यदि तुम पानी पीना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों को उत्तर दो। तभी युधिष्ठिर ने कहा, श्रीमान आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। एक्षौर युधिष्ठिर के बीच संवाद के प्रश्नोत्तर इस तरह है। एक्ष ने पहला प्रश्न किया, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, वह कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। यक्ष ने अगले प्रश्न पूछा, भूमि से भी भारी चीज क्या है?
युधिष्ठर ने उत्तर दिया, संतान को कोक में धरने वाली माँ भूमि से भी भारी होती है, जिसका फर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। यक्ष ने अगले प्रश्न पूछा, आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठर ने उत्तर दिया, पिता। यक्ष ने अगले प्रश्न पूछा, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठर ने उत्तर दिया, मन। मन की गति निरंतर जारी रहती है, इसकी गति को समझ पाना मुश्किल है। इसी प्रकार बच्चों, यक्ष और युधिष्ठर के बीच संवाद होती है। आज का पाठ समाप्त हुआ है। बच्चों, फिर अगले कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।